दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने टोमेटो का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं वीड कंट्रोल की। जो टोमेटो में वीड कंट्रोल करते हैं, उस वीड कंट्रोल के लिए कौन कौन से केमिकल डाले जाते हैं और क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो फर्स्ट वीड कंट्रोल होता है, वो फर्स्ट वीड कंट्रोल होता है ट्रांसप्लांटेशन के 20 से 25 दिन बाद, यानी जो सीडलिंग होती है उसकी ट्रांसप्लांटेशन करने के 20 से 25 दिन बाद वीड कंट्रोल किया जाता है। और वीड कंट्रोल के लिए मोस्टली एक तो फ्लूक्लोरेलिन और एक पेंडीमेथिलीन, फ्लूक्लोरेलिन और पेंडीमेथिलीन केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। और जो फ्लूक्लोरेलिन है, उसका जो ट्रेड डैम है वो है बेसालिन। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फ्लूक्लोरेलिन है उसका ट्रेड नेम क्या है, तो उसका ट्रेड नेम है बेसालिन। फिर बात करते हैं मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। टू गेट गुड प्रोडक्शन फ्रॉम टोमेटो क्रॉप, मिक्स 20 to 25 tons FYM। FYM का मतलब होता है फार्म यार्ड मेन्योर, जिसको बोलते हैं गोबर की खाद, तो इसको बोलते हैं फार्म यार्ड मेन्योर। तो अच्छी फसल लेने के लिए बुआई से 1 से 1.5 माह पहले हमेशा जो मेन्योर डाली जाती है वो बुआई से 1 से 1.5 महीने पहले खेत में मिला दी जाती है। तो जो गोबर की खाद, जिसको फार्म यार्ड मेन्योर या FYM बोलते हैं, वो सोइंग के 1 से 1.5 महीने पहले हम फील्ड में मिला देते हैं। फिर उसके बाद इन द फील्ड बिफोर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टोमेटो सीडलिंग, जो सीडलिंग होती है उसको पौध बोलते हैं, टोमेटो सीडलिंग, देन एड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी NPK। तो जो NPK का रेशो रखा जाता है, वो रखा जाता है 100 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 65 किलोग्राम ऑफ फॉस्फोरस एंड 60 किलोग्राम ऑफ पोटेशियम। इनका रेशो रखा जाता है तीनों का, जिसमें से जो नाइट्रोजन होती है उसकी हाफ क्वांटिटी डाली जाती है। हमेशा नाइट्रोजन की हाफ क्वांटिटी सोइंग के साथ डाली जाती है, और जो बाकी हाफ क्वांटिटी होती है उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करके एक एक महीने के अंतराल से डाला जाता है। तो हमेशा NPK डालते समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा का ही यूज़ किया जाता है, और बाकी आधी मात्रा एक एक महीने के अंतराल पर डाली जाती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग अगर हमें लोकल मार्केट में टोमेटो भेजने हैं, लोकल मार्केट और मंडी में भेजने हैं, तो हार्वेस्टिंग के लिए हमें हमेशा रेड कलर टोमेटो तोड़ने पड़ेंगे, रेड कलर वाले टोमेटोज तोड़ने पड़ेंगे। अगर हमें रिमोट मार्केट यानी दूरस्थ बाजारों में भेजना है, तो दूरस्थ बाजारों में भेजने के लिए हार्वेस्टिंग हमेशा करेंगे पिंक रेड, यानी हल्के गुलाबी लाल कलर के जो टोमेटोज होंगे उस अवस्था में उनकी तोड़ाई करेंगे। फॉर प्रोसेसिंग पर्पज, अगर हमें प्रोसेसिंग करनी है, तो प्रोसेसिंग के लिए हमें हार्वेस्टिंग हमेशा रेड कलर वाले तोड़ेंगे, जिस इस स्टेज को बोलते हैं फुल रेड स्टेज। तो हमेशा जो टोमेटो की हार्वेस्टिंग करेंगे प्रोसेसिंग के पर्पज से, वो हम फुल रेड कलर के करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है यील्ड, यानी उपज। हाइब्रिड वेराइटीज से जो प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन होता है 400 to 500 क्विंटल पर हेक्टर। जो हाइब्रिड वेराइटीज़ की अगर हमने सोइंग की है, तो उनसे जो प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन होगा 400 to 500 क्विंटल पर हेक्टर। अगर नॉर्मल वेराइटीज़ की हमने सोइंग करी है, तो नॉर्मल वेराइटीज़ से प्रोडक्शन होगा 250 to 30 क्विंटल पर हेक्टर, 250 to 30 क्विंटल पर हेक्टर। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, इस डाटा में ये है कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 meter square। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 meter square। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, पिछले एग्जाम में ये पूछा गया है, तो ध्यान से थोड़ा इसको देख लेना। अगर इसकी हम एकड़ में बात करें, तो जो 1 हेक्टर होता है, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.47 acres। तो 1 हेक्टर होता है 2.47 acres। और अगर इसकी बीघा में बात की जाए, तो बीघा में अगर बात करें, तो वन हेक्टर बराबर 6 बीघा, यानी जो 1 हेक्टर होता है वो 6 बीघा के बराबर होता है। मोस्टली किताबों में बीघा चलता नहीं है, किताबों में सिर्फ और सिर्फ हेक्टर्स ही चलता है, लेकिन डाटा पता होना जरूरी है। तो अब बात करते हैं टोमेटो में लगने वाले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं, वो मोस्टली ये जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ये ना तो किसी इंसेक्ट की वजह से लगते हैं, और ना ही ये कोई डिजीज़ होती है। जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, वो दो चीज़ों से होते हैं, दो कारणों से होते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। उसमें नंबर पहला तो है, या तो कोई ना कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसकी कमी होगी, इसके कारण होंगे, या फिर ये अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण होंगे। अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन से मतलब यहाँ पर ये है
कि अगर टेम्परेचर क्रॉप को हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है और लो टेम्परेचर रहता है तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, वो कोई सा भी हो सकता है। अगर जो हमारी क्रॉप है वो फ्रॉस्ट के लिए बिल्कुल भी ससेप्टिबल नहीं है, मतलब फ्रॉस्ट यानी पाले को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती, और उस कंडीशन में अगर पाला गिर जाता है तो उस कंडीशन में भी कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। और अगर कोई कैल्शियम, बोरोन या पोटेशियम जैसे कोई न्यूट्रिएंट्स है उसकी अगर कमी हो जाती है सोयल में तो उसके कारण भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखते हैं टोमेटो में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किस किस वजह से होते हैं। सबसे पहले नंबर वन है कैटफेस। जो कैटफेस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो होता है ड्यू टू अनटाइमली सोइंग, यानी असमय बुआई के कारण कैटफेस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कैटफेस की जो प्रॉब्लम है वो होती है अनटाइमली सोइंग, यानी समय से या तो पहले बुआई कर देना या समय के बाद में टोमेटो की बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कैटफेस की प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है ब्लॉसम एंड ड्रॉट। जो ब्लॉसम एंड ड्रॉट डिजीज़ है जिसमें टोमेटो सड़ जाता है वो समस्या होती है कैल्शियम के कारण, ड्यू टू कैल्शियम डेफिशियंसी। कैल्शियम को सी एस ए इंडिकेट करते हैं, तो वहाँ पर एग्ज़ाम में जब ऑप्शन आएगा आपके सामने तो कभी कभार ऐसा होता है कि ऑप्शन में सी ए लिखा हुआ आएगा वहाँ पर, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, सी ए मतलब कैल्शियम, ये कैल्शियम को इंडिकेट करता है ये। तो जो ब्लॉसम एंड ड्रॉट जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कैल्शियम की कमी के कारण होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है फ्रूट क्रैकिंग। जो टोमेटो का फ्रूट होता है वो बनते समय प्योर मतलब पूरा बनने से पहले ही वो क्रैक हो जाता है, तो वो जो क्रैक होने की जो प्रॉब्लम है वो बोरोन की कमी के कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण होती है। तो ड्यू टू बोरोन डेफिशियंसी फ्रूट क्रैकिंग प्रॉब्लम इज क्रिएट इन टोमेटो फील्ड। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है ब्लाची रिपनिंग। जो ब्लाची रिपनिंग यानी समय से पहले जो मिच्योर नहीं होता फ्रूट, उससे पहले वो पक जाता है, उसकी समस्या पोटेशियम की कमी के कारण होती है। ड्यू टू पोटेशियम डेफिशियंसी ब्लाची रिपनिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इज क्रिएटेड। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है गोल्डन फ्लैग। गोल्डन फ्लैग में तीन चार कंडीशन है, इसमें अगर लो टेम्परेचर है तो भी गोल्डन फ्लैग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है या पोटेशियम की कमी है, इन तीनों ही कंपोनेंट से गोल्डन फ्लैग की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। फिर इसके बाद में सन कोल्ड। सन कोल्ड से मतलब यहाँ पर ये है कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर, यानी जब हाई टेम्परेचर होता है तो उसके कारण सन कोल्ड हो जाता है, जिससे टोमेटो काले वगैरह हो जाते हैं, ऐसी समस्या हो जाती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एक डिजीज़ यहाँ पर ऐड किए मैंने, इसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ मतलब आर्द्र गलन। ये टोमेटो की बहुत ही हानिकारक डिजीज़ है और बहुत बार इससे सवाल आता है, तो दिस इज़ ए हार्मफुल डिजीज़ ऑफ नर्सरी। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि जो टोमेटो में टोमेटो की जो नर्सरी होती है उसमें सबसे भयंकर रोग कौन सा लगता है, तो डैम्पिंग ऑफ। टोमेटो का जो नर्सरी में लगने वाला रोग है वो रोग है डैम्पिंग ऑफ। फिर इसके बाद में दिस इज़ ड्यू टू फंगस। ये फंगस से भी होता है और इस फंगस का नाम है पीथियम एफिनीडर्मेटम। पीथियम एफिनीडर्मेटम कवक से फंगस से होता है, और इसके कारण क्या होता है, जो स्टेम होता है प्लांट का जो स्टेम होता है वो रोट हो जाता है, सड़ जाता है, और सड़ने के कारण क्या होता है, पूरा पौधा जो होता है वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तो इसमें से तीन चार क्वेश्चन बनते हैं, एक बार वापस देखना। सबसे पहले तो डैम्पिंग ऑफ कौन सी स्टेज पर लगता है, तो नर्सरी स्टेज पर लगता है। फिर इसके बाद में किससे लगता है, फंगस से लगता है। फंगस का नाम क्या है, फंगस का नाम है पीथियम एफिनीडर्मेटम डिजीज़, पीथियम एफिनीडर्मेटम फंगस। और जो इसमें सबसे इन्फेक्टेड पार्ट होता है वो होता है स्टेम, इसके कारण क्या होता है, प्लांट फॉल डाउन यानी पौधा नीचे गिर जाता है। अब बात करते हैं टोमेटो में लगने वाले मेजर इंसेक्ट और पेस्ट के बारे में। मेजर इंसेक्ट और पेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो इंसेक्ट है उसका नाम है फ्रूट बोरर, जिसको बोलते हैं फल छेदक भी इसको बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। साइंटिफिक नेम बहुत ज़रूरी है, सबके साइंटिफिक नेम याद कर लेना। दीज पेस्ट डैमेज द टोमेटो बाई मेक होल इन टोमेटो फ्रूट। जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा यानी फ्रूट बोरर होता है वो क्या करता है, टोमेटो के जो फ्रूट होते हैं उसके अंदर होल कर देता है, छेद करके अंदर घुस जाते हैं, और उसके अंदर का जो पल्प यानी गुदा होता है और जो जूस होता है उसको खा लेते हैं, जिससे टोमेटो पूरा डैमेज हो जाता है और इससे भारी नुकसान होता है और प्रोडक्शन बिल्कुल कम होता है। इसके कंट्रोल के लिए स्प्रे ऑफ मेलाथियन 15 EC 1.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर।
जो इसका स्प्रे बनाना है वो स्प्रे में 1.5 ml डालना है पर लीटर के हिसाब से, और 1000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है एक हेक्टर में सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो ये एक फ्रूट बोर्ड था। अब दूसरा है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई को बोलते हैं सफ़ेद मक्खी। इसका साइंटिफिक नाम है बेमेसिया टेबेसाई। इसका साइंटिफिक नाम है बेमेसिया टेबेसाई। इट सक जूस फ्रॉम द सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट एंड इट ऑल्सो ए वेक्टर ऑफ एफिड। ये क्या करती है सफ़ेद मक्खी, ये प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं और फ्रूट होता है उससे सक कर लेती है पूरे जूस को और प्लांट को डैमेज करती है, और इसके साथ साथ ही ये जो एफिड एक इंसेक्ट होता है उसका भी वेक्टर करती है, यानी कि उसके वाहक का कार्य भी करती है। एफिड को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने के लिए वाइट फ्लाई ही जिम्मेदार होती है। इसके कंट्रोल के लिए भी स्प्रे करेंगे मेलाथियन 15 EC 1.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर। अगर हमें एक हेक्टर के लिए सॉल्यूशन बनाना है स्प्रे का तो हमेशा 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। 1000 लीटर पानी की हमेशा आवश्यकता होगी, चाहे हम इंसेक्टिसाइड ले रहे हों या पेस्टिसाइड ले रहे हों, हमें 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं टोमेटो में लगने वाली मेजर डिजीज़ के बारे में। तो इसमें सबसे पहले है लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो जो डिजीज़ होती है वो एक फंगल डिजीज़ होती है, और इस फंगस का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। जो इस फंगस का नाम है वो इस फंगस का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो में भी वैसे तो होता है ये। तो लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो इज़ कॉज्ड बाई विच कैजुअल ऑर्गेनिज्म, तो उसमें आएगा एक तो ये फंगस से होता है और फंगस में भी ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। फिर इसके बाद में लेट ब्लाइट का एक दूसरा ही डिजीज़ है इसी के प्रकार की, वो है अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट भी वो का वही है, ये फंगस से होता है लेकिन ये अल्टरनेरिया सोलेनाई फंगस से होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा लीफ कर्ल। लीफ कर्ल का मतलब होता है पत्तियों का गुच्छा बन जाना। इस डिजीज़ में ये जो डिजीज़ होती है ये वायरस से होने वाली डिजीज़ है। दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डिजीज़ है मोज़ेक डिजीज़। जो मोज़ेक डिजीज़ है वो डिजीज़ होती है वायरस द्वारा। तो जो लीफ कर्ल और मोज़ेक डिजीज़ है ये दोनों वायरस से होती है, और जो लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट है ये हमेशा फंगल डिजीज़ है, और जो लेट ब्लाइट डिजीज़ है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होती है, और जो अर्ली ब्लाइट है वो अल्टरनेरिया सोलेनाई से होती है। तो ये टोमेटो का पार्ट सेकंड था। टोमेटो क्रॉप आज कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में मैं जो वीडियो डालूंगा नेक्स्ट, वो वीडियो डालूंगा एग्रीकल्चर के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं वो वीडियो बना के डाल दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।